20 मिनट, इतना ही हो जाता है। साढ़े चार का अलार्म भरिया करो, तो कितनी कोशिश कर लो जल्दी जल्दी होने, अंधेरा मिलेगा। और लाइट जलाते छोटे छोटे, इतने मच्छर आवे फिर परेशान कर रहे हैं। सभी को जय माता दी, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं सभी? मैं संतोष गहलावत स्वागत करती हूँ आपके अपने एसजी ब्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। आज नवरात्रि का तीसरा व्रत। सुबह तो जैसे अंधेरा था, मैं गई थी फिर कैमरा में इस साइड में लगाया करूँ, आज फिर दूसरी साइड चेंज कराया हुआ। उस साइड में देखा जैसे चिड़िया का घोंसला बनाया हुआ, बच्चा दिया हुआ था, वो गिरा हुआ था और उसमें बच्चा चीं 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 कर रहा था, और उधर से चिड़िया। फिर देख के मैंने कैमरा इस साइड लगा दिया। मैं जब ये आएंगे इनसे उठवा कर और उसको रखूँगी कहीं ना कहीं, पता नहीं बेचारे का कैसे गिरा। और वो नीचे हो तो शुक्र है, उधर नहीं गई मैं, पैर पूर भी रखा जाता है थोड़ा अंधेरे में भी, बाई चांस यूँ चला जाए आदमी तो पैर रखा जाए, और बच्चा उसी के अंदर दिख नहीं रहा था। हालांकि वो सुराख बिल्कुल भीड़ा सा बनाया हुआ है चिड़िया का, छोटी सी तो चिड़िया है, उसी हिसाब से उसने कराया हुआ है उसमें, और इतनी मेहनत से और इतना अच्छा उसने वो घोंसला बनाया हुआ है बेचारे के, सिर से वो छत ही गिर गिर जिसमें उसके बच्चे उसकी तरफ देख सके। वैसे मैंने देखे ना, फिर मेरा ध्यान योगा में कम लग रहा था और उस तरफ बहुत ज़्यादा था। और करते हुए जाते हैं पैरेट। सुबह आई जब तो सारे को बादल थे, ये सारे खंड से गए कोई गंज से हो रहे हैं, कल से एक आध बार मोटा मोटा ना आवा है, वो धूप सी ना सारे दिन, मैं तो एकदम बादल सूरज को ढक रहे हैं ऊपर, गर्मी है कल भी बहुत ज़्यादा थी, परसों भी बहुत ज़्यादा थी। अब थोड़े है छठ से लिए, घुटा हुआ तो पहले भी नहीं था पर यूं था छटा हुआ था, हवा तो अब भी नहीं है, सुबह सुबह घुटन सी है एकदम, जैसे सुबह आवा ना जब तो चलो मॉइस्चर अलग हुआ अंदर छत की तरफ आवा, पर हवा नहीं पता एक भी नहीं हिल रहा है। तो काम करूँ फटाफट से, जल्दी जल्दी निपटाऊँ फिर अपना जागा टाइम से, ताकि जोत बत्ती हो। उधर तो वो घोंसला तो रखवा दिया था मैंने, ऊपर की तरफ जगह बहुत ढूंढी, दूसरा घोंसला भी फिर बनाने की सोच रहे थे। उस तरफ गिलोय के ऊपर हम अपने अपना टांगा हुआ मोल वाला, पर उसमें भी वो कटका ही नहीं दिया, उसका भी सुराख था, उधर वो जा भी नहीं रही, और मैं इस तरह हाथ भी नहीं लगा पाया करती, चाहे बिल्ली के बच्चे हुए या किसी भी पक्षी के हुए या डोगी के हुए, मैं कभी हाथ नहीं लगा करती, पता नहीं मेरे को डर लगया करो वो गिल गिला हार। और इनका इंतज़ार करने के बाद फिर मैंने वो ऊपर रखवा दिए थे जहाँ उसका दाना डालती हूँ, थोड़ा बहुत दाना उसी में डाल देंगे, क्यों नीचे अगर कहीं रखते हैं तो फिर यह सेफ नहीं समझ रही, चर 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 कर रही है, अब सुबह सुबह ऊपर ही रखा है। अब दूसरे फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ, क्यों वो फुल हो रहा है उसमें कोई क्लिप निकल नहीं रही, जाकर क्लियर करूँगी उसको, अपना तोड़ ताड़ लिया काम हो गया, अब चले नीचे आ गई इसमें और संभालेगी अपने बच्चे को, आके ना देख कर जाली के ऊपर रख दे, नीचे आ नहीं रही थी तो इसमें देख कर जाली, इतनी मेहनत से इतने उससे बनाया हुआ है इसने घोसला, अंदर रुई लगाई हुई है और बाहर को इसने और जो तार तूर पतले पतले ना वो जो रस्सी टाइप होते हैं वो लगा कर ना इतनी अच्छी पैकिंग कर रखी है इसकी। आजकल भिंडी पौधे में ऊपर की तरफ नहीं लग रही, नीचे की तरफ लग रहे हैं, क्यों खत्म होने पर है ना सारे पत्ते पत्ते लग रहे हैं जड़ में, लाल मिर्चें भी एकदम, एक को गर्मी पड़ रही है, परसों आ रही थी कल कल नहीं देखा था, सारा पौधा लाल होया पाया, तीखी इतनी है बहुत तेज है, खाने में बड़ी टेस्टी है, बल्कि वो घर जाके सुखा के अरे इनका अपना बीज बना फिर दोबारा यहीं ग्रो करेंगे। आज थोड़ी ही देर हो गई थी, क्यों दूसरे फ़ोन में जिसमें वीडियो बनाया करती हूँ उसमें बन नहीं रही थी, स्पेस ही नहीं था बिल्कुल ही, सब कुछ डिलीट भी कराया हुआ था, पर उसका अंदर का सारा क्लीन वाला निकाल कर ना सारा बिल्कुल क्लीन करके ना जब वीडियो स्टार्ट करी मैंने बनानी ना बनी नहीं रही थी, ऑन करूँ थी जब भी वो अपने आप ऑफ हो जाओ था, क्लीन अब मांग रहा था, तो इसलिए खाना बनाने में भी फिर देर होगी, क्यों इसके बगैर मेरा काम ही नहीं चलता, ये स्पेशल वीडियो के लिए ही है। जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाए, कुछ बर्तन वगैरह लड़की ने करवाए, बोले आंटी मैं बर्तन करवा देती हूँ आप अपने काम करो, क्लीनिंग तो कई दिन से मांग रहा था, बार बार मैसेज आ रहा था वीडियो बनाऊँ थी, फिर मैं जिस तरह आज का वीडियो बना दिया तो कल मैं उसको साफ कर देऊँ थी, उसकी डिलीट मार देऊँ थी, मैं इस कारण हो रहा होगा, पर ये क्या पता उसमें तो फिर जब क्लीनअप वाला आया तो करने लगी तो अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा था, जब भी काफ़ी टाइम लग गया और उसमें चूज होंगी नहीं, फिर तो 2 साल पुराने तक का डिलीट करना पड़ा। बिल्कुल भीड़ में चले हैं अपना वोट डालने, अपना अधिकार का प्रयोग करने अपने अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, आप भी अपना डाल जाते हैं, देखते हैं कितने भीड़ होएगी कितने नहीं, मैं चलते चलते वीडियो बनाऊंगा तो 5 मिनट में डाल के आ गया, मेरे बूथ के अंदर लेडीज लाइन नहीं थी, उनका पापा बेटा की लंबी लाइन थी जेंट्स की, मेरा तो जाता ही बल्कि 5 मिनट भी नहीं लगी, कोई भी नहीं था,
जब तक मेरा नंबर पुलिस वाले भाई ने घुसा दिया, फोन लेके जाने नहीं दे रहे थे, फोन बाहर ही रखवा रहे थे। फिर मैं गाड़ी में ही रख गई थी, वापिस ही भेज दिया था फोन नहीं लेके जाना। पुलिस वाले खड़े थे, उन लेके भी जाऊँ लोग लुक मैंने क्या करना है यहाँ पर, अब ना रखी गई थी। फिर मैं तो वापिस आ गया ना, टाइम ऐसा हो रहा है ना, लोग काम कर करके ना आवे हैं तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है। 12 बजे रहे, 12 से ऊपर ही हो रहा है टाइम। सब ये सोचे काम कुम करके ना, नवरात्र हैं, पूजा पाठ करके ना फिर चलाएंगे, किसकी बनाएगी। पर हमने तो हमारे वाले कहा है, जिसके हम वोट मांगते फिर आते उसको जीतना चाहिए, वो जी। किसकी गवर्नमेंट आएगी किसकी नहीं, वो तो रिजल्ट बताएगा। हम अपना वोट डाला है, अपना अधिकार का प्रयोग कर आए हैं भाई। खुशी ही होती है वोट डालना। एक लड़की थी जैसे, एक पहले अंदर घुसी हुई थी, उसने बेचारी ने पहली बार डाला हुआ था, कभी स्लिप भूल जाए, कभी साइन करना, पहली बार डाल रही हो अंकल बताते रही हो, तो बता रहे थे उसको, मेरे से पहले ही घुसी हुई थी, बस वो ही थी अंदर लेडीज में ना, पहले घुसी हुई थी, उसको पता नहीं था, अंकल बता दो अंकल बता, घंटी के साथ करते हैं ये बताएगी। अब आगे निशान तो मैं लगा लूंगी, मैं कोई नहीं निशान लगा लेना ही, भाग्य करती रहो। सेक्टर वाले तो अब आने स्टार्ट हुए हैं, कई तो मिले थे हमारे आस पड़ोसी ना, तो कलोनी कलानियों वाले रोड बहुत ज्यादा थे इस बूथ में, उससे पहले पर्सी नहीं आया करते। अब की बार तो घर घर ही देते फिर रहे थे, ज्यादातर की दे आए थे हमारे सेक्टर वाले में, ज्यादातर की देते फिर रहे थे, एक आध गिरे रहे थे, वो अपन वाले लग रहे हैं। गई थी मैं उतर के, पसीने आए उल्टी, अपना गाड़ी में बैठ गई वो आकर, गर्मी में बोर्ड डाल के आते हैं चला के एसी, फिर अपना खाना बनाने लगी। बे के गई थी मैं, सामक भी और साबुदाना भी, मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी बन जाएगी। सामक मैं नमकीन बना रही थी, तो साबुदाना तो यूँ है खीरी बनती है, हमारे मेरी माँ खिचड़ी नहीं खाती वो, अगर वो खिचड़ी खाए तो फिर मेरी दो नहीं बनाने पड़े, एक ही में काम चल जाए, फिर वो खीर ही खाती, उसके लिए खीर ही बनानी पड़े। फिर सोचू मैं मेरा भी सामने फिर काम चल जाए। गर्मी में एक बार छत पर जाकर ना कढ़ी पत्ता तोड़ के लाई, क्यों कढ़ी पत्ता डालने के बाद टेस्ट अच्छा आ जाता है। हरी मिर्च और कढ़ी पत्ता डाल दो, फिर मैंने आलू और घिया डाल दी थी, मैं सब्जी भी थोड़ी ही जानी चाहिए साथ में। आज तो बीच में ना नारियल पानी लिया ना नींबू पानी लिया, तो ऐसी हालत हो रही थी ना, एनर्जी डाउन तो होती है अगर बीच में कुछ नहीं, अगर थोड़ा थोड़ा खाते रहो ना 2 घंटे में कुछ ना कुछ, फ्रूट हो या नारियल पानी ले लिया नींबू पानी ले लिया, तो उनसे थोड़ा एनर्जी लो नहीं होती, सही रहता है आदमी। साथ में फिर थोड़ा है खीरे का रायता बना लिया था अपने लिए ही, और कोई तो नहीं खाएगा। नवरात्रों का ये देखा ढंग से, और तली भुनी चीज़ें ना खाएं, हेल्दी ही खाएं ना, शरीर हल्का हा जरूर रहता है। टाइम हो गया 2 बजे, गई तो थी यूँ वोट डालने, यूँ सोच के गई थी मैं, आके ना कुछ साफ सफाई करूँगी, किचन का सामान ले आकर जिस तरह महीने का, तो 2 महीने से जरूर जरूरत का ही लेके आ रही थी, बीच में लेके नहीं आ रही थी मैं, क्यों एक्सीलेंस का हुआ है तो जरूरत तो वाला ही, बस जितना जरूरत हो थी उतना की ले आऊँ थी, वो एक्स्ट्रा पड़ा रहता तो फिर उसमें सुर से कीड़ा ये चीज़ें हो जाती हैं, तो एक आध चीज़ जैसे एक्स्ट्रा हो जाऊँ तो फिर वो सीलन सा मौसम में बारिश वाला में ख़राब हो जाऊँ, तो मैं पहले इनकी सफाई करूँगी जहाँ सामान रखा करूँ दराजों की, फिर ले आऊँगी सामान, वो दराज ही ना साफ हो गई, कल सोचा कल भी ना हो गई, 2 दिन हो गए सोचते हुए, उसके पीछे सामान में सामान ले कर नहीं रखूँगी तो वो यूँ ही पैक हो या रखा रहेगा, जब तक सफाई नहीं करूँगी अब की बार, ये दराज दरूज साफ करनी, अलमारी साफ करनी है, नवरात्रों के लिए ही मैंने रखा हुआ था, मैं बैठी बैठी करती रहूँगी, ज़्यादा उस वाला काम नहीं होएगा ना, थकान वाला या कुछ, दराजें अपने LED पैनलों की ये ज़्यादा है हमारे, तो इनको आराम से बैठ कर ना जब करती रहूँगी, 2 दिन हो गए वही काम नहीं हो रहा भाई, अब जिस दिन होएगा तो सोच तो रही हूँ, आज नहीं तो कल तो पक्का तो जरूर करूँगी, हो जाता है तो कोशिश में होना, जब तक मेरे मैंने भी बोला मैं पर्ची दे नहीं रही हूँ ना, अब तक मैं स्लिप नहीं पकड़ाती, जब तक मेरी दराज की नहीं तो लेके ना रख देंगे, फिर वो इधर से उधर रख दे रहूँगी ना, उसी में ही डल जाएगा फिर, और उसमें एक आध सुसी सी हो किसी चीज़ में, वैसे तो खाली पड़ी है दराजे, पर एक आध वैसे भी हो तो फिर उन्हीं में घुस जाती हैं पनियों में ही दोबारा फिर से, क्यों सोच के तो वोट के डालने ही होंगे, पर पता था हमारे को वह भीड़ में लेगी उस टाइम, पर मेरे वाले में बूथ में लेडीज नहीं थी, वो तो मैं जब भी बता रही थी, इन में टाइम लग गया मेरे, वो तो 5 मिनट भी नहीं लगे, और बहुत लंबी लाइनें लगी थी लेडीज की सभी बूथों पर मेरे वाले पे नहीं था, पता नहीं मेरी किस्मत ने साथ दिया क्या हुआ, तो ना तो हमारे पूरे सेक्टर वाले का तो दूसरे बूथ में नंबर था, मेरा ही उधर आ रहा था, और किसी का किसी रूम में था, किसी का मेरा उस पर खाली पड़ी थी, ये फिर इनमें दो है जेंट्स की, तो टाइम भी ऐसा हो जाता, सभी यूँ सोचते हैं काम कुम करके चले, अब अपना खाना खुना खा लिया, सारी साफ सफाई बर्तन, आज तो सारा बर्त का ही बना था, सामक के चावल चूल नमकीन तो सारे ने वो ही खा लिया ना, चावल चूल जिस तरह माँ के लिए साबुदाने की खीर थी वो मैं अपने लिए भी बचा लिया करूँ, फीके में चीनी नहीं डाला करती, रात को मैं शक्कर वगैरह डाल लिया करूँ बची हुई,
तो और इतना ही काम नहीं था बस, और यहीं पर फिर व्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ। कल मिलते हैं फिर एक और नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। जय माता दी।